11 नवंबर 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इस दिन पर 11/11 पोर्टल खुल रहा है। 11/11 एक एंजल नंबर है और इसका मतलब क्या है सबसे पहले आपको ये बताऊंगी और उसके बाद इस दिन पर करने वाले मैनिफेस्टेशन रिचुअल के बारे में भी बताऊंगी। 11/11 में 4 बार नंबर 1 आता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 सूर्य का नंबर है। सूर्य के कारण ही हमारी सृष्टि चल रही है। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे उगते हैं। सूर्य के प्रकाश से हमें भी जीवन जीने की ऊर्जा मिलती है। नंबर्स की श्रृंखला भी एक नंबर से शुरू होती है। एक नंबर नई शुरुआत का कारक होता है। जब 4 बार नंबर 1 आता है तो ये दर्शाता है कि हमारे जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, कोई नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि रात के बाद ही सवेरा होता है। और देखा जाए तो ये तारीख साल के उस समय पर आती है जब लोग नए साल के लिए रेजोल्यूशंस बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब जान लेते हैं इस दिन पर करने वाले मैनिफेस्टेशन रिचुअल के बारे में। इसके लिए आपको एक कोरा कागज लेना है और एक ब्लू रंग की पेन लेनी है। अब आप सबसे पहले लिखेंगे ऊपर थैंक यू यूनिवर्स। अब आपको एक ऐसी इच्छा के बारे में लिखना है जो आप दिलो जान से चाहते हैं कि पूरी हो जाए। आपको ढेर सारी इच्छाएं नहीं लिखनी है, केवल एक ही इच्छा के बारे में लिखना है। इच्छा लिखने की शुरुआत आपको धन्यवाद प्रकट करते हुए करनी है। यानी आप लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर, या फिर मैं आभारी हूँ, या फिर आप केवल धन्यवाद भी लिख सकते हैं। और फिर अपनी इच्छा ऐसे लिखनी है जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। आपको ये इच्छा 11 बार लिखनी है। अब जरूरी नहीं है कि 11 बार आप जो इच्छा लिखेंगे उसमें आप सेम शब्दों का उपयोग करें। आप अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हुए 11 बार अपनी इच्छाएं लिखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आभारी हूँ कि मुझे नई नौकरी मिल गई है, ये आप एक बार लिखेंगे। दूसरी बार आप लिख सकते हैं कि मैं आभारी हूँ कि मेरी नई नौकरी में सैलरी इतनी है। तीसरी बार आप लिख सकते हैं कि मैं आभारी हूँ कि मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई है। यानी अगर आपकी इच्छा नई नौकरी पाने की है तो आप 11 बार नौकरी के बारे में ही लिखेंगे। इसी तरह अगर आप शादी करना चाहते हैं तो लिखेंगे धन्यवाद मेरी शादी हो चुकी है। मैं आभारी हूँ कि मेरे जीवन साथी में ये गुण है। मैं आभारी हूँ कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं आभारी हूँ कि मेरा शादीशुदा जीवन बहुत सुखी है। अब यदि आप चाहें तो एक ही वाक्य में सब कुछ लिख सकते हैं और वो ही वाक्य 11 बार लिख सकते हैं। इच्छा आपकी है और आप जिस भी भाषा में लिखना चाहते हैं वो भाषा में लिखिए। फिर अंत में आप अपना नाम और अपनी जन्म तारीख लिखेंगे। इस पेपर को फोल्ड कर दीजिए और अपने सीने से लगा लीजिए। इसे अपने दिल पर रखकर इसे विजुअलाइज कीजिए। आप ये अनुभव करिए कि आपकी ये लिखी हुई इच्छा पूरी हो रही है। आपने जो लिखा है वो सब सच हो रहा है। इसे महसूस करिए। जितना ज्यादा महसूस करेंगे उतना ही आपके चेहरे पर मुस्कान आती जाएगी और हो सकता है कि आपके आंख से खुशी के आंसू भी टपक पड़ेंगे। आप ये उपाय सुबह 11 बजे कर सकते हैं या फिर रात के 11 बजे। अगर रात को करेंगे तो शांति का माहौल होगा और आप इसे ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन आपकी परिस्थिति के अनुसार आप तय कर सकते हैं कि आप इसे सुबह करना चाहते हैं या रात को। और जब आप ये कर रहे हैं तो आराम से समय लेते हुए उपाय को करिएगा, ताकि जब आप ये उपाय कर रहे हो तब घड़ी में भी 11:11 बजे हो। फिर आप इस पेपर को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। अब हर रोज रात को 11 बजे ये पेपर निकालकर उसमें लिखे हुए 11 वाक्य, अपनी 11 इच्छाएं आपको पढ़नी है लगातार 15 नवंबर तक, जिस दिन देव दिवाली है। और पढ़ने के बाद, महसूस करने के बाद आप इस पेपर को फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। और फिर 15 तारीख को सुबह 11 बजे इसमें लिखी हुई इच्छाएं पढ़कर किसी मंदिर में रखाइए और उसके ऊपर एक घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे
इस पेपर को दबा दीजिए और उसके ऊपर एक घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिए। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो आप इस पेपर को जल प्रवाह कर सकते हैं, और अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो इस पेपर को जला दीजिए और उसकी राख को हवा में फूंक मारकर धन्यवाद प्रकट कर दीजिए। अब इस मैनिफेस्टेशन रिचुअल का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि आपको अपनी लिखी हुई इच्छाओं के बारे में भूल जाना है। आपने यूनिवर्स से या जो भी शक्तिशाली तत्व से प्रार्थना की है उन पर छोड़ देना है। अब उनका कार्य है कि वो आपकी इच्छा को कैसे पूर्ण करें। आपको अपनी इच्छा के पीछे भागना नहीं है, आपको अपनी इच्छा आकर्षित करनी है। जैसे आप मेहनत करके एग्जाम लिखते हैं फिर भगवान पर छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरीके से अपनी इच्छा लिखकर सरेंडर कर दीजिए। पिछले साल कई लोगों ने ये मैनिफेस्टेशन रिचुअल किया था और उन्हें बहुत ज्यादा लाभ हुआ था, तो मेरी आपसे विनती है कि आप ये रिचुअल एक बार करके देखिए, इसमें आपका ही फायदा होगा। बस दिल से और पूरी श्रद्धा से आप इसे करिएगा तो आपके साथ भी जादुई चमत्कार जरूर होगा। प्रार्थना करती हूँ कि इस मैनिफेस्टेशन रिचुअल से आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाए। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।